खबर रायबरेली से है, जहां जिला अस्पताल में मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं नाराज परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर हंगामा भी किया, जहां जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर प्रदीप कुमार पर इलाज में लापरवाही का परिजनों ने आरोप भी लगाया। आपको बता दें, डॉक्टर प्रदीप कुमार की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। परिजनों ने जिला अस्पताल प्रशासन को इसका दोषी भी ठहराया। मौके पर पहुंची पुलिस व CMS ने परिजनों को किसी तरह से शांत कराया। वहीं डॉक्टर प्रदीप कुमार ने खुद को निर्दोष बताया। सेरनी थाना क्षेत्र के गोपालखेड़ा गांव की मृतिका बताई जा रही है। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हाँ, शारदा प्रसाद द्विवेदी। कौन है आप? हमारी पत्नी है। क्या हुआ इनके साथ? हम 2 घंटे हो गए यहाँ पे, सिर्फ नर्स इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं आया देखने के लिए। यहाँ तक नहीं कोई बता रहा है इनको है जीवित है कि नहीं, अभी हमें ये नहीं पता। जो नर्स ने कहा, अरे कोई डॉक्टर तो आपको बताया कि क्या जिंदा है कि नहीं जिंदा है? क्या नर्स को आपने नहीं बताया था? क्या नर्स बता नहीं, खत्म हो गई। किसकी लापरवाही मानते हैं? किसकी लापरवाही है? डॉक्टर की है, पूरे स्टाफ की है। अरे इमरजेंसी मतलब क्या होता है? इमरजेंसी में लेके आए हैं यहाँ पे, और कोई यहाँ देखने वाला सुनने वाला नहीं है। कहाँ के रहने वाले? थाना कौन सा लगता है? लालगंज से आपको यहाँ रेफर किया गया? लालगंज के लालगंज यहाँ रेफर किया गया, तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। गाँव कौन सा? गोपाली खेड़ा। आप परेशान हैं, आप शिकायत भी कर रहे हैं क्या? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं राउंड लेके गया हूँ, सवार में मरीज आया है, मैं गया हूँ खाना खा के दोबारा फिर आ रहा हूँ। जबकि मैं आन काल हूँ, मैं आन ड्यूटी नहीं हूँ, मेरी आन ड्यूटी नहीं है। मरीज सीरियस होगा, मुझको देखने आना है, तो आने में यहाँ से रूम घर से टाइम लगेगा। किसकी लापरवाही? क्या लग रहा है, एक्सपायर हो गया पेशेंट? आपने अभी फोन पे बोला कि इमरजेंसी ऑफिसर की लापरवाही, कुछ ऐसा क्या लग रहा है? इमरजेंसी अर्जेंट में लिखा है, ये चीज बोल रहा हूँ मैं। बात ये है कि वहाँ से मरीज आया है, जो EMO लिखता है वो लगता है, इसका हम लोग आके दोबारा से रिव्यू करते हैं। और मरीज अगर गंभीर है तो उसके लिए इलाज तो कुछ होना चाहिए, जो चीज लगी हो तो होगा ही। आरोप है कि बहुत देर से आप आ रहे हैं और आए नहीं है? आरोप नहीं, मैं 8 बजे यहाँ से गया हूँ। तो ऐसी ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें R9 न्यूज़ के साथ।